एक दिन रात के 6 बजे थे। पूरा जंगल सुनसान पड़ा था। तभी गुणवंत बाबा का भक्त बाबा से कहता, बाबा मैं घर ही जाऊँ? तो बाबा उसे रोक लेते। तभी थोड़ी देर बाद बाबा उसे कहते हैं, तू जाऊला? तभी वो भक्त बोलता है, नहीं बाबा, तुम्हारे सोडून कसा जाऊँ मैं? पास में एक झोपड़ी थी। तभी बाबा ने बोला, त्या झोपडीतून जेवा ले आण। तभी भक्त बोला, बाबा त्या झोपडीत कोणीच नसते। तभी बाबा ने उसे बोला, तू जाय तर सर्वच काही आहे तिथं, आणि कारल्याची भाजी आणजो। भक्त झोपडी पे गया और खाना लेके आया। तभी गुणवंत बाबा बोले, कारल्याची भाजी आणली ना? तभी भक्त बोला, तुम्हाले कसं माहित बाबा? दोस्तों, गुणवंत बाबा को कैसे पता होगा करेले की सब्जी है, कमेंट करके बताएं। जय जय गुणवंत, जय जय गुणवंत, जय जय गुणवंत।